हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल सिविल कंस्ट्रक्शन चैनल। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉलम ढालते समय मिस्त्री ने किन चीज़ों की गलती की है और लैपिंग किस तरह से की है और लैपिंग में क्या गलती हुई है, इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर आप एक साइट पे सुपरवाइज़र हो तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना ही पड़ता है। तो मिस्त्री को बताना चाहिए कि इस तरह से नहीं किया जाता और उन्हें टेक्निकली साउंड होना चाहिए। आप साइट सुपरवाइज़र हो तो इन चीज़ों का चेक ही करना चाहिए। तो इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिए तो आपको ये बहुत काम आएगा। तो अब हम इस कॉलम में लैपिंग को किस तरह से किया गया है देखेंगे। यहाँ पे जो भी लैपिंग की है इन मिस्त्री ने यहाँ पे गलत की है, मतलब यहाँ पे उन्होंने जॉगल ही नहीं दिया है। जॉगल देना चाहिए जब भी आप लैप करते हो कॉलम को। तो यहाँ पे उन्होंने ओवर लैप किया है इसके ऊपर, यहाँ पे जॉगल आएगा, मतलब यहाँ पे जो भी ऊपर का ये बार आ रहा है यहाँ पे थोड़ा सा बेंड आता है, यहाँ पे बेंड आकर यहाँ पे रेस्ट करता है। तो इससे क्या होता है कि ऊपर का जो भी लोड आ रहा है डायरेक्टली इस यहाँ पे नीचे डायरेक्टली यहाँ पे ग्राउंड पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे जो भी इन्होंने यहाँ पे लैपिंग लेंथ प्रोवाइड की है ये सही है। लैपिंग लेंथ को प्रोवाइड करने के लिए हमें 50D, मतलब ये थंब रूल है, 50D मतलब डी मतलब डायमीटर ऑफ बार होता है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये 24 इंच हमें मिल जाएगी। तो इससे हमें ये 24 इंच यहाँ पे उन्होंने लैपिंग की है। यहाँ पे जो भी यहाँ पे 6 सरिया या 12 mm के इस तरह से उन्होंने लैपिंग की है। अब लैपिंग लेंथ कितनी होनी चाहिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो भी ये लेंथ होती है इसे ही कहते हैं लैपिंग लेंथ। इसे हम 50D मतलब 50D फार्मूला से थंब रूल है, इससे हम ये कैलकुलेट करते हैं, इसे ही कहते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इसे ही कहते हैं लैपिंग लेंथ। जब भी आप कटिंग लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो प्लिंथ लेवल से ऊपर अराउंड 5 फीट ऊपर होना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कम होता है तो यहाँ पे स्ट्रक्चर फेल्योर नहीं होगा। अगर आपका कटिंग लेंथ यहाँ पे प्लिंथ लेवल के ऊपर मतलब 2 फीट होगा तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट हो सकता है और अर्थक्वेक आने के कारण यहाँ पे स्ट्रक्चर फेल्योर हो सकता है। तो इसलिए हमें प्लिंथ लेवल के ऊपर अराउंड 5 फीट ऊपर तक हमें कटिंग लेंथ रखना ही चाहिए और इसके ऊपर हमें लैपिंग करना ही चाहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको इसी तरह के टेक्निकल सब्जेक्ट रिलेटेड आपको वीडियो मिलते रहेंगे, मिलते हैं इसी तरह के एक लर्निंग वीडियो पे।